नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिका हिंदी। दोस्तों, आज हम टी शर्ट के डिज़ाइन के लिए बात करेंगे। कोरल ड्रॉ में टी शर्ट का डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, आज हम उसको देखते हैं। और जैसे कि हमने दो कलर का कोई डिज़ाइन बनाया है, तो उसका हम सेपरेशन कैसे करेंगे बटर पेपर के लिए, जिसे हम ट्रांसपेरेंट फिल्म भी कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंट फिल्म प्रिंट करना हो तो उसके लिए डिज़ाइन को हम कैसे अलग अलग कलर में सेपरेट करेंगे, तो आज हम वो भी देखेंगे। तो जो लोग स्क्रीन प्रिंटर्स हैं या जो स्क्रीन प्रिंटर्स के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कोरल ड्रॉ में देखते हैं कैसे टी शर्ट का डिज़ाइन बनता है। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और अब हम शुरू करते हैं डिज़ाइन। सबसे पहले तो हमने जो ये टी शर्ट का जो शेप लिया हुआ है, ये आपको टी शर्ट की साइज़ के हिसाब से आपको शेप बनाना पड़ेगा, तो आप वो बना लीजिएगा। उसके बाद में अब हम इसका बैकग्राउंड बनाते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी स्ट्राइप दे देंगे। जैसे कि हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और हम इसकी स्ट्राइप बनाते हैं बैकग्राउंड के लिए, इस तरह से। ठीक है, इसमें हम लाइट ग्रे कलर डाल देते हैं। ठीक है, और हम इसको रिपीट कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा एक टी शर्ट का बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। इसको हम टी शर्ट के जो शेप है उसमें हम इसको पावर क्लिप करके डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक शेप बन गया। और अब हम मेन डिज़ाइन बनाते हैं, चेस्ट की डिज़ाइन बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लेंगे इस तरह से, इसको सेंटर में ले लेंगे और इसका हम थिकनेस कुछ दे देते हैं, करीब इनसाइड कॉन्टूर ले लेंगे 5 mm का। ठीक है, और इसको हम ब्रेक करके इसको हम कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम कलर ले लेंगे रेड। ओके, तो ये एक हमने रेक्टेंगल बना दिया, इसका थिकनेस 5 mm लिया है। अब राइटिंग में कुछ लिखेंगे, राइटिंग में यहाँ लिख देंगे थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ये हमने टेक्स्ट ले लिया है। ठीक है, और अब हम इसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से, इसको सेंटर ले लेते हैं और अब हम इसको जो टेक्स्ट है इसकी फॉन्ट स्टाइल हम चेंज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल देख लेते हैं कौन सा बढ़िया सा इसमें लगेगा। जैसे कि ये वाला है, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको हम सेट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से सेट करना है। बैक साइड का जो हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से, ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा, ताकि इसका मीनिंग रहे जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक हमने डिज़ाइन बना दिया है। अभी इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कोई भी अच्छा सा बढ़िया सा कलर ले लेते हैं। इसमें हम डार्क ग्रे कलर ले लेते हैं, ये अच्छा लगेगा। और जो बॉक्स का जो बैक साइड बॉक्स है उसका हम कुछ लाइट ब्लू या इस तरह से ले लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। मैंने रेड ले लिया वापस, क्योंकि मुझे रेड ही सही लग रहा है। तो देखिए, ये इस तरह से हमारा जो चेस्ट का डिज़ाइन है वो कंप्लीट बन गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में। अब हमें इसको प्रिंटिंग के लिए हमें इसका सेपरेशन देना है, तो हम ये दोनों
ऑब्जेक्ट है, जो राइटिंग टेक्स्ट है और जो पीछे का बॉक्स है, पूरा टोटल डिज़ाइन हम इसको सिलेक्ट करके और हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप करके हम इसे साइड में ले आते हैं, एक कॉपी और ले आते हैं, और जो हमारा ये मेन डिज़ाइन है इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम इसमें सेपरेशन करेंगे, और सेपरेशन किस लिए करना है, ताकि अगर दो कलर है तो हमारा दो कलर का फ्रेम बनेगा, और दो कलर का फ्रेम बनेगा तो दोनों कलर के लिए अलग अलग ट्रांसपेरेंट फिल्म प्रिंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें दोनों फ्रेम के लिए हमें रजिस्ट्रेशन मार्क भी चाहिए, ताकि हम डिज़ाइन को रजिस्टर कर सकें, मिला सकें दोनों कलर को प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो हम इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन मार्क बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक लाइन टूल ले लेंगे और एक प्लस का साइन बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको प्लस का साइन बना दिया है, और अब हम इसको कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है वो हम ले लेते हैं 0.5 पॉइंट, और जो इसका साइज़ है वो हम ले लेते हैं 10 mm। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कर दिया। अब हमें इसको चारों ओर बिल्कुल सीधा, इससे सीधा होना चाहिए। आप कंट्रोल दबा कर क्लिक करेंगे ना तो सीधा सीधा ही जाएगा। देखिए, इस तरह से सीधा सीधा ही लेना है नीचे, इस तरह से। ठीक है, ये आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये एक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इधर से भी सीधा होना चाहिए और आड़े और खड़े दोनों में सीधा होना चाहिए। जैसे मैं आपको गाइडलाइन रख कर दिखा देता हूँ, देखिए बिल्कुल सीधा रखा है मैंने, ये देखिए ये भी बिल्कुल सीधा रखा है खड़े में, और आड़े में भी देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा रखा है। ठीक है, इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन मार्क रखना है पहले तो, और उसको चारों को रजिस्ट्रेशन मार्क को हम ग्रुप करेंगे, और जो हमारा ग्रुप किया हुआ मेन डिज़ाइन है उससे हम इसको सेंटर करेंगे सी और ई से। ये शॉर्ट कमांड है, सी और ई से इसको हम सेंटर में ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरा डिज़ाइन वापस लेंगे और इसका एक और कॉपी बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अभी हमारा ये दो कलर के हिसाब से हमने दो कॉपी ले लिया है डिज़ाइन का। अभी हमारा ग्रे कलर है और रेड कलर है, तो सबसे पहले रेड कलर को ले लेते हैं। तो रेड कलर प्रिंट होगा तो हमने जो ऊपर राइटिंग रखा हुआ है उसको हम वाइट कर देते हैं इस तरह से, और जो रेड कलर का बॉर्डर है उसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं यहाँ से। तो सेपरेशन के हिसाब से ये एक कलर का सेपरेशन हो गया। अभी दूसरे कलर के सेपरेशन में क्या करेंगे, हम रेड कलर जो हमने एक बना लिया है उसको हम वाइट कर देते हैं, और बाकी का जो राइटिंग है इसको इस तरह से हम सिलेक्ट करके और ब्लैक कर देंगे। तो आप इस तरह से सेपरेशन कर सकते हैं, और आप सेपरेशन करके इसी फाइल से आप ट्रांसपेरेंट फिल्म या बटर पेपर आप प्रिंट करके आप अपने प्रिंटर्स को दे दीजिए, उसका फ्रेम बना लेगा और आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आप कितने भी कलर बनाए हो, चाहे चार कलर हो, छः कलर हो, आप इस तरह से सेपरेशन दे करके और अपने प्रिंटर्स को आप बटर पेपर या फिल्म पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था कोरल ड्रॉ में कैसे टी शर्ट की डिज़ाइन बनाई जाती है और कैसे कलर का सेपरेशन दिया जाता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।